सभी मेरे दिल्ली पुलिस के साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शक्ति सिंह है, मेरे साथ भाई राम जांगिड़, राम अवतार जांगिड़ हैं दिल्ली पुलिस से ही। फिलहाल दोस्तों हम दोनों शेप शॉप के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की गई हमें थाईलैंड ट्रिप से बोल रहे हैं। हम अभी थाईलैंड कंट्री के बैंकॉक और पताया शहर के बीच में अपनी बस से ट्रेवल कर रहे हैं। दोस्तों दरअसल बात यह है, हम आपको सिर्फ ये बातें बताने के लिए ये छोटा सा वीडियो शूट कर रहे हैं। बात शुरू होती है हमारी नौकरी से। जब हम कभी बेरोजगार थे और उसके बाद हमने दिल्ली पुलिस में तैयारी की और भर्ती हुए, दिल्ली पुलिस में भर्ती होते टाइम या ट्रेनिंग करते टाइम जब सेलेक्ट होते टाइम हमारे मन में बहुत ज़्यादा खुशी थी कि हमें नौकरी मिल गई। दोस्तों मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, वो गुजरे ज़माने की बात है। आज से 10-15 साल पहले जब नौकरी मिलती थी तो बहुत खुशी भी होती थी, क्योंकि उस दौर में हम बेरोज़गार थे और सभी भाई लोग ज़्यादातर हमारे लोअर मिडिल वर्ग फैमिली से आके इस नौकरी को ग्रहण करते हैं, कॉन्स्टेबल हो चाहे सब इंस्पेक्टर हो। उसके बाद हमने ट्रेनिंग की और दिल्ली पुलिस महकमे में बहुत सारा तजुर्बा भी हासिल किया, लेकिन आज कम से कम 12-14-15 सालों के तजुर्बे के बाद मैं ये महसूस कर पाया हूँ कि नौकरी से बढ़कर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम इस नौकरी वाली वेइंग मशीन पर जो अटक के रह गए हैं एक जगह, वहाँ हम समय से कितने गरीब हो चुके हैं इस बारे में तो हमें तजुर्बा ही नहीं है, और हमें कभी होगा भी नहीं, एहसास भी नहीं है हमें कि हम समय से कितने गरीब हैं। चलो समय से गरीबी को तो हम जैसे तैसे महसूस करके अपना जीवन काट भी लेंगे रिटायरमेंट तक, बट दोस्तों एक खास बात है, एक कांटा जो हमारे पैर में चुभा हुआ है वो है सिक्योरिटी का। फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं, फैमिली सिक्योरिटी। हम फैमिली सिक्योरिटी के रूप में भी अपने आप को देखें तो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं फैमिली सिक्योरिटी के रूप में। क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा 2004 इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2004 के बाद वैसे ही पेंशन बंद होगी, तो हम किस वजह से 60 साल तक रिटायर होने का इंतज़ार कर रहे हैं, इसका जवाब क्या आप मुझे दे सकते हैं? और दोस्तों दूसरी बात, मैंने अभी जिक्र किया फाइनेंशियली सिक्योरिटी का, मैं आप सब भाई लोगों को, स्पेशली मेरे दिल्ली पुलिस के भाई लोगों को एक चीज़ इंश्योर करना चाहूँगा। आप कभी भी अपने बीवी बच्चों को एक बार सोते हुए, रात को सोते हुए, जब कभी ड्यूटी आवर्स ख़त्म करके जब आप घर आओ तो उनको सोते हुए एक बार देखना और ये महसूस करना कि कल को मैं इस दुनिया में नहीं रहा तो इनका क्या होगा। हिल जाओगे दोस्तों उसी पल, एक बार ये महसूस करोगे कि क्या मेरे बिना इनका गुजारा अगले ही महीने से संभव है। बिकॉज दिल्ली पुलिस तो डेथ सर्टिफिकेट के बाद में आपकी सैलरी बंद कर देगी, आपके अकाउंट को होल्ड कर देगी और आपके नॉमिनी को भी वो सैलरी या और कोई बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं होंगे, सिर्फ एक्सिस बैंक और कुछ हमारी LIC पॉलिसीज के अलावा। दोस्तों मैं कहना ये चाहूँगा कि सेफ शॉप बिजनेस हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से। इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज की कंपैरिजन करें तो हमारे श्याम सुंदर जी का उदाहरण तो दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां भी देती है। हम सब इस धंधे में, इस बिजनेस में इसलिए हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट थाईलैंड और पेरिस टूर अवेल करने के लिए नहीं है, हम सब इस धंधे में इसलिए हैं क्योंकि यहाँ से हमें फाइनेंशियली सिक्योरिटी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मिल रही है, और वो भी गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज ठप्पे के साथ। ये कोई सिर्फ कही सुने बातें नहीं है, भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपकी ID, आपके नॉमिनी को आपके डेथ सर्टिफिकेट के बाद तुरंत ट्रांसफ़र की जाएगी और उसका रेवेन्यू, उसका पे आउट, उसका रेमुनरेशन इनकम भी होल्ड नहीं किया जाएगा, आपकी कंपनी को वो देना पड़ेगा। और हमारी सेफ शॉप कंपनी के 18 साल के इतिहास में तो ये बेहतरीन तरीके से हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर साहब ने इसका नज़ारा पेश किया है। जितने भी हमारे प्रॉस्पेक्ट्स या जितने भी भाई लोग इस दुनिया में आज नहीं है, उनकी IDs पे आज भी कैपिंग इनकम आ रही है और आज भी उनके चेक, उनके पे आउट्स उनके फैमिली को मिलते हैं। दोस्तों मेरा कहने का जो नज़रिया था या मेरा आपको जो इन बातों को बताने का जरिया था, ये इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सर्कुलेट कर रहा हूँ। एक बार बैठ के इस बात पर ज़रूर विचार कीजिएगा कि फैमिली सिक्योरिटी इस जीवन में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं सिर्फ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपने लिए नहीं, क्योंकि आप अपने लिए तो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि पुलिस की वर्दी का जो गुमान और जो आर्टिफिशियल ईगो एक आप अपने दिमाग में घुसाए बैठे हो ना, वो कभी निकलेगा नहीं। तो कम से कम अपने दोस्तों को, अपने बीवी बच्चों के खातिर एक बार इस बारे में सोच लेना कि आज के ज़माने में नौकरी के अलावा साइड इनकम के रूप में नहीं, फैमिली सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए आपको ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं। एक मैं ये बात और आपको बताना भूल गया कि मेरे जिस समय मैंने इस बिजनेस का आगाज़ किया था उसके बाद मेरे दिल्ली पुलिस के सैकड़ों साथी
आज इस बिजनेस को, सेफ शॉप बिजनेस को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। कुछ साथी तो मेरे साथ थाईलैंड टूर पे आज अभी घूम ही रहे हैं। देखें हमारे राम अवतार भाई तो बैठे हुए हैं और पिछले तीन चार दिनों से बहुत सारी टूर में सुविधाओं का मस्ती ले रहे हैं।